प्रगतिशील लोहिया समाजवादी से रामपुर लोकसभा प्रत्याशी संजय सक्सेना ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। आज परेरी रोड स्थित होटल ओपल में प्रगतिशील लोहिया समाजवादी पार्टी से रामपुर लोकसभा प्रत्याशी संजय सक्सेना ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि परसों का दिन अहम है और माननीय शिवपाल जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ आपके लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। आप लोकसभा और जनता के बीच परसों जाना है, जा तो रहे हैं। मेन परसों मेरा नामांकन है, परसों मैं यहाँ से नॉमिनेशन कर रहा हूँ, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़ाई है। परसों का नॉमिनेशन कर रहा और उसके बाद आप लोगों का सहयोग रहते हैं। आने वाली 23 तारीख कितनी मजबूती के साथ जो है चुनाव मैदान में आप उतरे हैं और क्या क्या इस पर अहम मुद्दे हैं आपके? अभी मैनिफेस्टो तो हमने जारी किया है और रही मुद्दों की बात, बेरोजगारी तो है ही, यहाँ पहले भी कई बार कह चुका हूँ, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात कि अब तक तो जो चल रहा है ऐसे तो घोषित हो ही गए थे, नॉमिनेशन के बाद भी पूरी तन मन धन से लग के, तन मन से लग के भारतीय जनता पार्टी में तो विकास हुए ही नहीं। 5 साल हुए, पूरे 5 साल में क्या हो रहा है आप बताओ। ये शौचालय का जो अभियान चलाया मोदी जी ने, तो मालूम है रामपुर में आधी जगह शौचालय नहीं है। देखिए आजम खान जैसे नेता जी ये बात कर रहे हैं, जब सरकार रही उन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। ये आप लोग मुझसे भले न किया, ठीक है आजम खान साहब बड़े नेता है, लेकिन जो विकास कार्य हुए वो सिर्फ माननीय शिवपाल जी के, भले ही सपा की सरकार में रही लेकिन जो विकास के जितने भी काम हुए यूपी में शिवपाल जी को जरूरत नहीं है किसी को शिवपाल यादव के नाम बना, जितना विकास कार्य हुआ वो उनका रहता है। लेकिन शिवपाल जी भक्त रहा, जितनी सीटें हम लड़ रहे हैं 80 सीटों में एक सीट छोड़ गए, 79 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, कम 70 सीट। और दूसरी मैं एक बात और बता दूंगा, गठबंधन हुआ आधी सीटें जो आदमी वैसे हारे, इधर का हारा जो उधर का हारा, हम 70 जीतेंगे।